फ्रेंड्स, कोल एंड पेट्रोलियम में ये हमारा थर्ड लेक्चर है। पिछले दो लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और फॉसिल्स क्या हैं, फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोल और टाइप ऑफ कोल की। तो कोल क्या है? इट इज अ सेडिमेंटरी रॉक दैट बर्न। ये सेडिमेंटरी रॉक है जो बर्न कर सकता है। इट इज ब्लैक इन कलर। जनरली कैसे कलर का होता है? ब्लैक इन कलर, और कई बार ये ब्राउनिश कलर में भी पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ, अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ, बिल्कुल लिटिल बिट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। अगर हम बात करते हैं कोल की, तो कोल में मेनली जो कंपोनेंट पाया जाता है वो कौन सा है? वो कार्बन है। और कार्बन ही तो मेन कंपोनेंट हो गया। कार्बन को छोड़कर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये भी पाए जाते हैं, और साथ में स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर भी पाई जाती है। तो कंपोजिशन आपको इसको ध्यान में रखना है। हो सकता है कभी एग्जाम में पूछा जाए कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट जो है वो कोल में पाया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोल की, कि कैसे फॉर्म होता है, तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं दे टेक सो लॉन्ग टाइम, सो मेनी इयर्स टू बी कन्वर्टेड इनटू देम। तो अबाउट, हम बात कर रहे हैं यहां फॉर्मेशन ऑफ कोल की, तो बात कर रहे हैं इधर अबाउट 300 इयर्स अगो अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट। अर्थ पे क्या था? डेंस फॉरेस्ट, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट था, एंड वेटलैंड्स ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस। कौन सी नेचुरल प्रोसेसेस? लाइक फ्लड, बाढ़ आना, फ्लड। These plants they get buried inside the soil। जो ये plants थे, जो ये vegetation थी, जो forest में और जो wetlands में जो vegetation थी, ये क्या हुई? ये flood के कारण क्या हुआ? ये earth यानी soil के नीचे जो है दबने शुरू हो गए। अब क्या होगा? More soil गेट डिपॉजिटेड ऑन देम। सॉइल की लेयर जो है उसके ऊपर जमती गई। एंड ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर बढ़ता गया, एंड प्रेशर, दे गेट कन्वर्टेड इंटू कोल। ये किसमें कन्वर्ट हो गए? ये कोल में कन्वर्ट हो गए। दे गेट कन्वर्टेड इंटू कोल। तो सिंपल है, ये जो है बहुत साल पहले, अगर हम 300 इयर्स ऑफ अगो की बात करें, तो अर्थ पर क्या था? अर्थ पे जो था वो फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट था, और साथ के साथ वेटलैंड्स थे। तो ये जो डेंस फॉरेस्ट में जो वेजिटेशन थी ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लड, ये क्या हुई? दे गेट बरिड इन साइड द सॉइल, और इसके ऊपर लेयर पे लेयर आती गई, और लेयर आती गई तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा, तो प्रेशर और टेम्परेचर के बढ़ने के कारण ये किसमें कन्वर्ट हो गए? ये कोल में कन्वर्ट हो गए। अब यहां पर हम एक प्रोसेस की बात करेंगे जिसे हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। बिकॉज कोल मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन, देयरफोर दी स्लो कन्वर्जन, हमें पता है कि कैसी प्रोसेस है,
स्लो कन्वर्जन, तभी तो इतने साल लगे, स्लो कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन मीन्स जो ये प्लांट्स वगैरह थे, डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, क्योंकि मेनली जो कोल है, कोल कंसिस्ट ऑफ कार्बन, तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन की फॉर्मेशन हो रही है, किससे हो रही है, डेड वेजिटेशन से हो रही है, और ये प्रोसेस कैसी है, स्लो प्रोसेस है। तो कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कार्बोनाइजेशन क्या है, तो कार्बोनाइजेशन क्या है, द कन्वर्जन ऑफ, स्लो कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इंटू कोल इज नोन एज कार्बोनाइजेशन, एंड बिकॉज कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन प्लांट्स कुछ भी लिख सकते हो आप, डेड वेजिटेशन, देयरफॉर इट इज नोन एज फ्यूल, फॉसिल फ्यूल। इसे हम फॉसिल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डेड रिमेन से बने हैं, डेड वेजिटेशन से बने हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको फॉसिल कहते हैं। तो यहां पर एक तो फॉर्मेशन ऑफ कोल पे क्वेश्चन आता है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कोल की फॉर्मेशन कैसे हुई, और एक यहां पर हम बात कर रहे हैं जैसे कार्बोनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, तो कार्बोनाइजेशन यानी कार्बन का बनना किससे, डेड वेजिटेशन से बन रहा है कोल, और कोल में मेन कंपोनेंट कौन सा है, कोल में मेन कंपोनेंट है कार्बन, इसलिए उस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो इसमें हम करेंगे वो है टाइप ऑफ कोल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर कोल एंड पेट्रोलियम से क्वेश्चनिंग की जाती है तो ये क्वेश्चन उसमें जरूर आता है, ये आपको एसएस में भी पढ़ने को मिलेगा, टाइप ऑफ कोल, टाइप ऑफ कोल। तो यहां मैं कैटेगराइजेशन कर देती हूं, कोल जो है पीट लिग्नाइट बिटुमिनस एंड द फोर्थ वन इज एंथ्रासाइट कोल। अब पीट क्या है, पीट जो है ये फर्स्ट स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन है, जब वेजिटेशन बरिड हो जाता है सॉइल के नीचे और वो डिकम्पोज करना शुरू कर देता है, तो जो फर्स्ट स्टेज है डिकम्पोजिशन के बाद, उसके बाद जो मटेरियल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पीट कहते हैं। और पीट में अगर हम कार्बन कंटेंट की बात करें, क्योंकि कार्बन कंटेंट के कारण ही हम किसी को बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल कहेंगे, और मतलब कार्बन कंटेंट डिसाइड करेगा कि ये जो हमने टाइप ऑफ कोल कर रहे हैं इसमें बेस्ट क्वालिटी कोल की कौन सी है। तो इसमें कार्बन कंटेंट कितना है, 50-60% कार्बन कंटेंट पाया जाता है। लिग्नाइट क्या है, ऑन कंप्रेशन ऑफ पीट के ऊपर फिर से सॉइल की लेयर आई और ज्यादा कंप्रेस हुआ तो तब बनता है लिग्नाइट। और इसमें कार्बन कंटेंट की अगर बात करें तो कार्बन कंटेंट पाया जाता है इसमें 60-70%, यानी इससे बेटर ये हो गया। बिटुमिनस, अगर हम बिटुमिनस कोल की बात करते हैं तो बिटुमिनस कोल क्या है, इट इज फॉर्म्ड बाय फर्दर कंप्रेशन ऑफ लिग्नाइट। जब लिग्नाइट और ज्यादा कंप्रेस हो जाता है तब कौन सा कोल बनता है, बिटुमिनस कोल बनता है। और यहां हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, क्या कि ये जो है बिटुमिनस कोल जो है मोस्ट कॉमन कोल है, जो सबसे ज्यादा कॉमन है कोल वो कौन सा है, बिटुमिनस कोल है। और इट इज अवेलेबल इन थ्री वराइटीज, इसकी तीन वराइटीज हैं, कौन कौन सी, लो वराइटी जिसमें कार्बन कंटेंट थोड़ा कम होगा, मीडियम एंड हाई, और इसी के हिसाब से इसका फिर कॉस्ट भी बढ़ता है।
ये तीन वैरायटीज आ गई इसकी। अब अगर हम बात करते हैं इसकी कार्बन कंटेंट की, क्योंकि कार्बन कंटेंट ही डिसाइड करता है कि कौन सा कोल कितना अच्छा है, तो यहां कार्बन कंटेंट जो है ये 75% to 80% होता है। यहां कार्बन कंटेंट कितना है, लगभग 80%। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी की, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है ये बेस्ट वैरायटी है ऑफ कोल, कोल की सबसे अच्छी वैरायटी है। अब अच्छी वैरायटी क्यों है भाई, क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अब जो एंथ्रासाइट है ये क्या होता है, ये कॉस्टली होता है, ये क्या है, एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट क्या है, ज्यादा है। तो ये और फर्दर कंप्रेशन से बना। तो यहां पर कार्बन कंटेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहां कार्बन कंटेंट है 90 to 95%। आपको ये परसेंटेज जो है, ये परसेंटेज आपको याद रखनी है। इसमें कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बेस्ट क्वालिटी कोल की कौन सी है, बेस्ट वैरायटी कोल की कौन सी है, तो वो एंथ्रासाइट है। मिनिमम जो है कार्बन कंटेंट, कई बार सिर्फ हम इन तीन कैटेगरी की बात करते हैं, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि पीट कब बनता है, जब हमारे पास जो फर्स्ट स्टेज है डिकम्पोजिशन की, अभी अभी डिकम्पोजिशन वेजिटेशन की स्टार्ट हुई है, इसलिए बहुत सॉफ्ट होता है। ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। ये जो है ये भी क्वाइट सॉफ्ट है, लेकिन इससे हार्ड होता है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी है, फर्स्ट डिकम्पोजिशन की कैटेगरी है, फर्स्ट स्टेज है। इसलिए अगर आपको सिर्फ लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट में कंपेयर करने को आया है, तो लिग्नाइट में कार्बन की जो परसेंटेज है वो मिनिमम पाई जाती है। आपको ये परसेंटेज जरूर से जरूर याद रखनी है। किसमें कितनी है मैं रिपीट कर देती हूँ, जैसे पीट में 50 to 60% है। अगर हम बात करते हैं लिग्नाइट की, जो कि पीट की फर्दर कंप्रेशन से बना है, उसको और कंप्रेस करने पर बना है, तो लिग्नाइट में 60 to 70% का कार्बन पाया जाता है। और क्योंकि कोल में मैक्सिमम कार्बन है और इसको हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल करेंगे, तो जिसमें जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट होगा वो उतना ही अच्छा फ्यूल साबित होगा। तो बिटुमिनस की बात करें तो मैंने आपको कहा कि ये सबसे ज्यादा कॉमन जो कोल है वो कौन सा है, बिटुमिनस है। ये तीन वैरायटीज में अवेलेबल है, लो, मीडियम एंड हाई। और अगर इसमें परसेंटेज, कार्बन परसेंटेज की बात करें तो कार्बन परसेंटेज है 75% to 80%। और एंथ्रासाइट, दिस इज द बेस्ट क्वालिटी, ये बेस्ट है अपने आप में। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट देखो कितना है, 90 to 95%। मैक्सिमम कार्बन कंटेंट जो है वो किसमें पाया जाता है, एंथ्रासाइट में पाया जाता है, इसलिए बेस्ट है। और दूसरी बात, ये एक्सपेंसिव भी है, ऑब्वियसली बात है, कार्बन कंटेंट ज्यादा है, बहुत अच्छा फ्यूल साबित हो सकता है, तो ये कैसा है, एक्सपेंसिव है। अब अगर हम बात करते हैं यूज ऑफ कोल की, अभी हमने क्या कहा कि कोल कैसे बना, ये जो टॉपिक अभी मैंने आपको डिस्कस किया है, टाइप ऑफ कोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। कोल का क्या यूज है, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि ये फॉसिल फ्यूल है, तो फॉसिल फ्यूल है तो भाई इसका इस्तेमाल कहां किया जाएगा, यूजेस ऑफ कोल। तो कोल का इस्तेमाल कहां किया जा सकता है, कुकिंग ऑफ फूड में किया जा सकता है। कोल का इस्तेमाल कहां किया जा सकता है, कुकिंग ऑफ फूड में किया जा सकता है। यूज्ड एज फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज, मैनी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां इसे फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और अभी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जो फॉसिल फ्यूल है इनका इस्तेमाल कहां किया जाता है, पावर स्टेशंस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है। तो इसको क्या इस्तेमाल किया जाता है, कोल इज यूज्ड इन, कोल इज ऑल्सो यूज्ड इन पावर स्टेशंस। मैंने आपको समझाया था कि पावर स्टेशन में इन्हें बर्न किया जाता है, जिससे वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होता है, स्टीम टर्बाइन्स को मूव करता है, और जो टर्बाइन है वो ड्राइव करने लगती है किसे, जनरेटर को, और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो कोल इज ऑल्सो यूज इन पावर स्टेशन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोल जो है वो एज अ फ्यूल आप कुकिंग के लिए इस्तेमाल करो, उसे पावर स्टेशन में इस्तेमाल किया जाता है, या फिर उसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने कोल कैसे बना
और कोल की क्या वैरायटीज हैं, यूजेस क्या हैं कोल की, इसकी बात की। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल की, कि जब इस कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है तो इसमें से कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, वो पूरी प्रोसेस विद देयर यूजेस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।